से सोल इतना, कर दो शिशकियों से शोर इतना, कोई सो रहा है तुझमें जो जाग जाएगा। सिर्फ इसलिए है कि अपनी बात को बाहर निकालो, चाहे रो, जो करना है करो, आंसुओं से उसको बाहर आने दो, बाहर आएगा। कर दो शिशकियों से शोर इतना, कोई सो रहा है तुझमें जो जाग जाएगा। इसके कंटेक्स्ट में एक छोटे लड़के से कहानी सुनाना चाहूँगा, पोयम के फॉर्म, जो मजबूरी में आके काम करता है, कहीं पे मजबूरी में कोई काम कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, वो किस किन चीज़ों को झेलता है या किन चीज़ों के थ्रू गुजरता है, उस चीज़ के बारे में। तो लड़के के पर्सपेक्टिव में है, छोटे से 10 साल के तकरीबन, कातिल कातिल चिल्लाती उन नन्ही नन्ही आंखों में, बेच दिए सपने अपने थे चंद अन्न के दानों में, रोती रोती चिल्लाती वो कोमल मन की आवाज़ें, बदल रही हैं क्रोध में उसको ये समाज की दीवारें, वो रुमाल से अपने हाथों से जब खाना खाता है, आंसू उसके पक जाते हैं जब वो नींद में जाता है, हर सुबह नई उम्मीद लिए वो फिर से काम पे जाता है, एक मासूम सा बच्चा देखो कब व्यस्त बन जाता है। जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में था कि हर तरफा लिखती कलम था, तो सुबह से लड़ाई भी चल रही है तो प्यार पे बोलना बहुत जरूरी है। काफी पहले की पोयम है मेरी, बस लिख नहीं पाया था तो ये बोल रहा हूँ। दिल हंसता है सुन के जो बातें तेरी, पूरी लगती अधूरी जिंदगानी, टूटी हस्ती मेरी जब बिखर जाती है, समेटे उसे तू बस शर्माती है, लगता है दिल में जब पूरा करूं कुछ नया रूप जिंदगी का तू दिखलाती है, मेरी आंखों में बसा वो अंधेरा होता हूं, बंद करते ही तस्वीर जिसकी बन जाती है, चुप रहना तेरा ही अब चिल्लाता है, मेरी सांसों बसा वो अब याद आता है, तब देखा नहीं जो अब तड़ पाता है, प्यार तेरा शायद अब नजर आता है, हो जाती हैं जब भी वो बातें तेरी, तू बताती है पूरी कहानी मेरी, फिर दिल हंसता है सुन के जो बातें तेरी, पूरी लगती है अधूरी जिंदगानी मेरी।